हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, SSC आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, डंपा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो जिसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट, युगांडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है कंपाला, मुद्रा है सिलिंग। अगला क्वेश्चन, जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? तो जिसका आंसर 1 अप्रैल 1957 से। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में किस देश की सहायता से की गई थी? तो जिसका आंसर है सोवियत संघ। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो अपनी तरह का पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र है। तो जिसका आंसर है AK सीकरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो अपनी तरह का पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र है, जो ई मध्यस्थता और ई कॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन और ADR सुविधा प्रदान करता है। IDRC का फुल फॉर्म है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। इसके चेयरपर्सन है मेहर एस राठी और सेक्रेटरी जनरल हैं मोना मारवाह, डायरेक्टर हैं रिया राठी और हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के वैज्ञानिक ने केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों पर 3 नई पादप प्रजातियों की खोज की है, BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका आंसर कोलकाता। वैज्ञानिकों की एक टीम ने के बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में 3 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की है, जैसे कि यूजेनिया स्पेरोकार्पा, गोनोथलम सुरिसेरस और मेमेक्लेनिम लवेरोसम। अगला क्वेश्चन, 25 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गुणसुविधा बाल दिवस IMCD किस वर्ष से मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 2001 से। अंतर्राष्ट्रीय गुणसुविधा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर 2001 से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाल अपहरण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना और अभिभावकों को उनके बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर शिक्षित करना है। ICMEC इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रंस। इसका हेडक्वार्टर है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में, जिसके चेयरपर्सन है चेयरमैन डॉक्टर फ्रांस बी ह्यूमर। अगला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 25 मई। हर साल 25 मई को पूरे विश्व में विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी LATS द्वारा चलाए गए अभियान के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। ATA का फुल फॉर्म है अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं मार्था जाइगर और कार्यकारी निदेशक हैं अमांट्रा फर्ले। स्थापना 1923 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वर्जीनिया शहर में है। और ETA यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म है, जिसके प्रेसिडेंट हैं लास्जो हेगडस और सचिव हैं लियोनिदास डंटास, जिसकी स्थापना 25 मई 1995 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, गिगी सिमोनी फुटबॉल कोच, खिलाड़ी और प्रबंधक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो जिसका आंसर है इटली। पूर्व फुटबॉलर मुख्य कोच गिगी सिमोनी, जिन्होंने 1998 में UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कप
ग्लोरी में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया, का निधन 81 साल की उम्र में इटली के पीसा में हुआ है। उनका जन्म 22 जनवरी 1939 को इटली में हुआ था। इटली की राजधानी रोम, प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटरेल्ला और पीएम है ग्यूसेप कोंटे। अगला क्वेश्चन, भवानी देवी जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित हैं, जिसका आंसर है तलवारबाजी, फेंसिंग। फेंसर भवानी देवी जो हाल ही में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित की गई हैं। भवानी देवी चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, जेमी हैम्पर्टन जो हाल ही में समाचार में किस खेल से जुड़े हैं, तो जिसका आंसर है टेनिस। पूर्व विश्व के शीर्ष 25 और अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पर्टन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। अलबामा के खिलाड़ी ने 2013 में अपने करियर की ऊंचाइयों को 24 की विश्व रैंक तक पहुंचाया। ITF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और जिसके प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी, जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है, जिसकी स्थापना 1924 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन के रूप में हुई थी, जिसका नाम 1977 में चेंज करके इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सांस लेने वाली PPE किट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है, तो जिसका आंसर है नवरक्षक। भारतीय नौसेना ने नवरक्षक PPE किट को नवीनीकृत सांस कपड़े सामग्री के साथ बनाया, जो COVID-19 महामारी के खिलाफ 12 घंटे से अधिक गर्म और आर्द्र स्थिति में रोगियों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को पहनने के लिए आराम प्रदान करने बहुस्तरित कवर ऑन PPE है। अगला क्वेश्चन, अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो जिसका आंसर है सॉफ्ट बैंक। अलीबाबा के सह संस्थापक ई कॉमर्स अरबपति जैक मा 13 साल के बाद सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, जो 25 जून 2020 से प्रभावी है। सॉफ्ट बैंक समूह मिनियाटो शहर टोक्यो जापान में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सॉफ्ट बैंक का बोर्ड 3 नई नियुक्तियों का प्रस्ताव करेगा, जिसमें जून में अपनी वार्षिक आम बैठक में लिपबूटेन, योशिमाटो गोटो, युको कवामोटो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जरदालू आम को लोगों तक पहुंचाने के लिए भागीदारी की है, तो जिसका आंसर है बिहार। डाक विभाग भारत सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जरदालू आम की आपूर्ति लोगों के द्वार पर की है। बिहार की राजधानी है पटना। CM नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए नवीन भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट्स टेक कंपनी वीजा के साथ भागीदारी की, जिसका आंसर है जागल। फिनटेक स्टार्टअप जागल ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए नवीन भुगतान समाधानों को शुरू करने के लिए भुगतान प्रौद्योगिकी की प्रमुख कंपनी वीजा के साथ भागीदारी की है। जागल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसके फाउंडर और चेयरमैन हैं राज एन फानी, जिसके MD एंड CEO हैं अविनाश गोदखिंडी। अगला क्वेश्चन, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 से शुरू की गई थी, जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा जॉब कार्ड मजदूरों को वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गवर्नर है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना की, तो जिसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो लगातार दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है, अब उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसने राज्य में 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
प्रवास आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो जिसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाबिया रॉयते ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने खेल और युवा सेवा विभाग को खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूसरों के बीच रोजगार पैदा करने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है, तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट और शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।